नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज का बयान हजरत सैयद अमीनुल कादरी का बयान रहेगा कि अल्लाह ताला हमारी हाजत हमारी मिन्नतें पूरी करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो पूरा बयान ज़रूर सुने और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। फरमाते हैं अगर कोई शख्स एक दिन के अंदर अपने किसी मोमिन भाई की सिर्फ एक हाजत को पूरा कर दे, उस दिन अल्लाह उसकी 100 हाजतों को पूरा फरमाता है, उसकी 100 हाजतें अल्लाह पूरी फरमाता है। और ये भी फरमाया किसी मोमिन मुसलमान की मदद के लिए चलना, यानी कोई आया चलो यार मेरा मसला वो हल कर दो, और आपके जरिए से वो मसला हल हो सकता था, अभी आपने हल नहीं किया, सिर्फ चले तो हर कदम के बदले में मस्जिद नबवी शरीफ में 1 साल एतिकाफ करने से ज्यादा सवाब अता किया जाए। यानी साल भर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आप इत्तेकाफ करें, उसका जो सवाब मिलेगा उससे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला किसी मोमिन की मदद के लिए चलने पर। और अल्लाह हू अकबर, अगर आपने अल्लाह अल्लाह उसकी मदद नहीं की, आप मदद कर सकते थे, आप हाजत रवाई कर सकते थे, आप उसका काम बना सकते थे, लेकिन आप नहीं गए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो किसी के पास आस लेकर के आया कि मेरा काम इससे हो जाएगा, और वो उसकी आस पूरी कर सकता था, लेकिन उसने उसकी आस पूरी नहीं की, उसने उसकी आस पूरी नहीं की, तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिसने उसकी आस तोड़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे आमाल को जाय कर देगा और उसकी भी आस तोड़ देगा, और अल्लाह उसका ठिकाना जहन्नम बना देगा। सोचिए ये है, आज मुसलमान दर दर की ठोकर न खाता अगर एक दूसरे की मदद करता, आज एक दूसरे की मदद, बल्कि लोग सगे भाई की मदद नहीं करते, सगे भाई की इस कदर इख्तलाफ होता जा रहा है, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, बाप बेटे में मदद के का जज्बा नहीं है, बहन बहन में मदद का जज्बा नहीं है। आओ हमारे इस्लाम की तालीम क्या है, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, एक सहाबी रसूल, उनका नाम है हजरत सैयदना जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रजी अल्लाह तआला। हजरत जाबिर आए और आने के बाद अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खजूर पकने के वादे पर किसी यहूदी से कर्जा लिया था, और हुआ ये कि हवाएं ऐसी चली और मौसम ऐसा हुआ कि मेरे बाग में जो खजूरें आनी थी वो आने आई थी तो पकने से पहले ही वो झड़ झड़ कर टूट टूट कर कच्ची कच्ची गिर गई। ऐसा होता है ना, किसान लोगों को पता है, जो लोग किसान हैं, कि अगर वो फल पकने से पहले बारिश हो जाए तो हवा तेज से चले तो कच्चे फल ही जाए हो जाते हैं, खेती खराब हो जाती है, तो जो उम्मीद होती है वो टूट जाती है। जाबिर रजी अल्लाह तआला का खजूर का बाग था बहुत बड़ा, उन्होंने खजूर पकने के वादे से कर्जा लिया था, लेकिन हवाएं चली कच्ची खजूरें ही टूट गई और वो जो फूल थे वही खत्म हो गए। तो अब ये था कि वो कर्जा अदा नहीं हो सकेगा, तो या रसूल अल्लाह अब वो बहुत तंग कर रहा है, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। अब मेरे आका ने सलात व तस्लीम कह देते, जाबिर मैं कलमा पढ़ाने आया हूँ, मैं नमाज पढ़ाने आया हूँ, कर्जों के मामले में मैं शरीक होने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे आका की शान सरे आल सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। मेरे सरकार ने फरमाया ठीक है जाबिर, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उससे बात करते हैं। अल्लाह पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के कर्जे के मामले में खुद से चलकर जिनकी चौखट पर चलकर सिदरतुल मुंतहा, जिब्रील अमीन बार बार आते हैं, जिब्रील जिसकी चौखट पे चक्कर लगाते हैं, वो रसूल एक यहूदी के दरवाजे पे जा रहे हैं अपनी खातिर नहीं, बल्कि एक मुसलमान अपने सहाबी अपने गुलाम की खातिर सरकार चलकर जा रहे हैं। बताएं मुसलमानों, क्या हमारे अंदर भी ये जज्बात हैं, क्या हमारे अंदर भी ये एहसासात हैं? नहीं नहीं, ये एहसासात हमारे अंदर नहीं है। बड़ी माजरत के साथ, सिर्फ दाढ़ी का नाम दीन, सिर्फ टोपियों का नाम दीन, सिर्फ तस्बीहों का नाम दीन, याद रखना दीन
वो है जो मुस्तफा जान रहमत ने अता किया है, दीन वो है जिसकी तालीम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अल्लाह हू अकबर। मेरे आका अलैहि सलाम एक यहूदी के दरवाजे पे चल करके जाते हैं और फरमाते हैं, देखो जाबिर के साथ ये हादसा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी चौखट पे चल के आया हूँ कि तुम इसकी कर्ज की मुद्दत बढ़ा दो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे दरवाजे पर आए, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, लेकिन मैं अब इसकी कोई मुद्दत नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मैं पहले कई बार इनको मोहलत दे चुका हूँ, मुद्दत बढ़ा चुका हूँ, अब मैं मजीद इनको कोई मुद्दत और मोहलत नहीं दूंगा। सरकार ने फरमाया, एक काम करो, मेरे कहने पे मोहलत दे दो, अगर ये कर्ज अब नहीं देगा तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं इसका कर्जा चुका दूंगा। उसने कहा, नहीं, अब मैं कोई मोहलत नहीं दे सकता। अल्लाह हू अकबर। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरवाजे से वापस आ गए, वापस लौटे, उसने नहीं माना सरकार की बात। हजरत जाबिर का चेहरा उतर गया, चेहरा छोटा छोटा हो गया। हुजूर अलैहि सलाम अब घर नहीं गए, उनके बाग में गए। सरकार मैं क्या करूं? सरकार फरमाते हैं, एक बार मैं अकेले जाता हूं, दूसरी मर्तबा मेरे और आपके आका फिर उस यहूदी के दरवाजे पर चल कर गए। मुसलमानों, क्या ये सुन्नत नहीं है कि किसी के दरवाजे पे चल करके जाना किसी की मुश्किल कुशाई के लिए, किसी की हाजत रवाई के लिए? आप मुझे बताएं, बोलो, हमें पता होता है कि फला मुसलमान मुश्किल में फंसा हुआ है, लेकिन क्या कभी हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसकी तकलीफ दूर कर दें, उसकी मुश्किल दूर कर दें? बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि हम अल्लाह के लिए नहीं जी रहे, हम रियाकार हो गए, हम अल्लाह के लिए नहीं जी रहे, हम मुनाफिकत कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अगर अल्लाह के लिए जीते तो हम उन रात की तन्हाइयों में जो लोग सर्दियों में ठिठर रहे होते हैं, खामोशी में जाके उनके वजूद पे कंबल डाल देते हैं। अगर हम अल्लाह के लिए जी रहे होते हैं तो रास्ते में पड़े रहने वाले फकीरों के पास बैठकर हम उन्हें खाना खिला देते। लेकिन हम ये सब काम क्यों करेंगे? क्योंकि हमने तो काम वहां करना है जहां हमारी तस्वीरें छपी हैं, हमने तो ये काम वहां करना है जहां हमारे नाम के नारे लगना है, हमने तो ये काम वहां करना है जहां मैं सेठ साहब कहके पुकारा जाना है। मगर याद रखना, तस्वीरें छपाने के लिए करोगे, सेठ साहब कहलाने के लिए करोगे और नारे लगवाने के लिए करोगे, अल्लाह कहेगा जिसके लिए किया था वही सब दे दिया, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह के लिए करोगे तो फिर सेठ साहब तुम्हें वहां कहके पुकारा जाएगा, एजाजात वहां दिए जाएंगे, इनामात वहां दिए जाएंगे। हाँ, कौम की बेटियां अब भी ऐसी जो किसी सेठ साहब का इंतजार कर रही है कि उसकी मदद आएगी तो मेरी शादी हो जाएगी। हाँ हाँ, ये होगा। क्या हम समूह लगन को फरोग दे रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम खामोशी से एक एक शादी ये कह करके निपटा दें कि हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है? इज्तिमाई शादियां हमारे यहाँ भी होती है, मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन कहीं मुझे ये दर्द जरूर है कि इज्तिमाई शादियों के या समूह लगन के नाम पर हम जिन दूल्हा दुल्हनों को करीब कह के बिठाते हैं, सेहरे का बोझ उनका गर्दन उतना नहीं झुकाता जितना गुर्बत का ताना उनका बोझ झुका देता है। तो जब हम अपनी जेब से अपने पैसे से किसी की शादी कर रहे हैं तो स्टेज पर उनको गरीब बनाकर बिठाने से बेहतर ये था कि उनको वो रकम दे दी जाती और कहा कि जाओ चुप छुपा करके इस तरह शादी कर लो कि हम नहीं करवा रहे, तुम खुद कर रहे, तो उसमें अज्र और बढ़ जाता, उसमें सिला और बढ़ जाता। लेकिन ये चीजें हमारे अंदर कहीं ना कैसे, देखिए अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है इल्ला माशाल्लाह, कहीं ना कहीं हम रियाकार हो रहे हैं, मुनाफिक हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और एक बात याद रखना, अगर आप सोचोगे ना इस तरह छुपा करके दूंगा तो फिर मेरे नाम का क्या, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर, जिस दिन छुपा के नेकी करने वाले हो जाओगे, दिखा कर उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी छुपा कर इज्जत, इसलिए कि दिखाकर इज्जत हम कमाते, हम तशहीर अपनी कर रहे हैं तो हम अपनी तशहीर करेंगे तो अपनी ताकत के मुताबिक करेंगे, और अल्लाह हमारी तशहीर करेगा तो अपनी शान के मुताबिक करेगा।
अल्लाह करेगा तो अपनी शान, इसलिए कहीं तुम अल्लाह के लिए करें, कुछ तो अल्लाह के लिए करें। तो बात दूर ना निकले, जल्दी जल्दी सब चलते हैं कि सरकारे अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बार मैं खुद जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। गए हुजूर दोबारा, और दोबारा गए तो उसने दोबारा भी इनकार कर दिया। अल मुख्तसर ये कि हुजूर बाग में वापस आए और चाहते थे कि अब अगर मैं अपने घर चला जाऊंगा तो जाबिर बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हुजूर अलैहि सलाम अपने घर भी नहीं गए, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के केलोला का वक्त आ गया तो हजरत जाबिर के बाग के अंदर एक ओटा था चबूतरा, उसी एक दरख्त के नीचे वो चबूतरा था, उसी चबूतरे पर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपनी चादर बिछाई और हाथ का तकिया बनाया और हुजूर अलैहि सलाम लेट गए। कुर्बान जाए, कौनैन के मालिक है, मालिक के जन्नत है, और जिंदगी की शान क्या है कि चादर बिछा देते हैं और हाथ का तकिया बनाकर वहीं पर सो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अपना हाल तो ये है कि नर्म गद्दों के बगैर हमें नींद नहीं आती और वहाँ हाथ का तकिया है और चादर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, लेकिन सोने के दरमियान सहाबा ने एक मौजजा देखा कि चूंकि दोपहर ढलती जा रही थी और जहाँ साया था वहाँ साया खत्म होता जा रहा था। करीब था कि हुजूर के पैरों पर धूप आना शुरू हो जाती हालत नींद में, सहाबा ने देखा दरख्त ने बढ़कर अपनी टहनी को बढ़ा दिया, दरख्त ने बढ़कर अपनी टहनी को बढ़ा दिया और अल्लाह अकबर। फिर हुजूर अलैहि सलाम उठे, वुजू किया, वुजू करने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने दो रकअत नमाज पढ़ी। हजरत जाबिर ने कहा हुजूर अब क्या होगा, सरकार ने फरमाया अब कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं तेरी खजूरें तोड़ते हैं, तेरी खजूरें तोड़ते हैं। या रसूल अल्लाह इतनी खजूरें नहीं है कि उसको कर्ज दिया जा सके। आका फरमाते हैं तू टोकरा लेकर चल, तोड़ने का काम मैं करूंगा। जाबिर समझ गए कि आज कोई मौजजा फिर आंखों से देखने को मिलेगा। जाबिर टोकरियां लेकर चलते रहे, हुजूर खजूरें तोड़ते रहे, तोड़ते रहे, हत्ता के खजूरें टूटती रही और टोकरा भरता रहा, कई टोकरे भर गए। और फिर सरकार ने फरमाया मौज ले कितना है उसका कर्ज। जाबिर कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम दरख्तों पे खजूरें उतनी नहीं थी, लेकिन जब वो खजूरें तोली गई तो उसको देकर भी मेरी खजूरें बच गई। तो नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी वीडियो को शेयर करें। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए और रिज्क में अल्लाह ताला हमारे बरकतें अता फरमाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।